हेलो एवरीवन, दिस इज समीर। आई नो कि आप सभी स्टूडेंट्स के जो है ऑनलाइन कॉलेजेस सारे स्टार्ट हो चुके हैं, आपका सिलेबस जो है पढ़ाना स्टार्ट हो चुका है। मुझे जहाँ तक पता था कि ये कॉलेजेस जो है आपके ऑफलाइन स्टार्ट होने वाले थे, बट जैसे कि आपको पता है कि अभी जो केसेस है लास्ट 14 डेज में जो है 6 लाख केसेस जो है देखने को मिले। अपने महाराष्ट्र की बात मैं कर रहा हूँ, 6 लाख तक जो है केसेस बढ़ चुके थे लास्ट 14 डेज के अकॉर्डिंग। इसके वजह से जो है 15 फेब तक तो आपको कॉलेजेस, स्कूल सब कुछ बंद है, या और आपके जो इंजीनियरिंग के कॉलेजेस भी है जो वो सभी के सभी कॉलेजेस बंद है, चाहे वो मुंबई के हो चाहे वो पुणे के हो। लेकिन आपके जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, आपका एडमिशन प्रोसेस काफी लंबे समय तक चला है और आपका अभी जो है फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो ऐसे कौन कौन सी बुक फॉलो करना है। मैं खुद जो हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सी बुक फॉलो किया था वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करते रहना, ऐसी बहुत सारे यूजफुल वीडियोज आने वाले आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, और यानी कि आपके फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जो है बहुत ही यूजफुल होने वाले वो सारे वीडियोस। तो चलो बढ़ते हैं वीडियोस की तरफ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट था, जैसे कि आपको पता है कि 10th एंड 12th तक जो है आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक पढ़नी होती थी एंड उसी में से जो है सारा सिलेबस कवर हो जाता था और उसी में से आपको जो है क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार आपको इंजीनियरिंग में जो है ऐसा नहीं होने वाला है, आपको कोई एक बुक नहीं फॉलो करनी होती। इधर जो है आपको डिफरेंट ऑथर्स होते हैं और डिफरेंट ऑथर्स की जो है अपनी अपनी बुक होती है। तो अभी इस इंजीनियरिंग में जो है आपको सारे ऑथर्स की बुक फॉलो करनी होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं बेस्ट ऑथर्स या फिर ऐसी बेस्ट पब्लिकेशन जो कि आपको यूजफुल रहे, तो ये सारे जो है ये सारे पॉइंट्स मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। और जितनी भी मैं बुक्स बताने वाला हूँ वो सारे की बुक्स की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करूंगा, आप जो है अपनी स्टडी इजिली कर पाओगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने वाले। तो जैसे कि पहला जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 होगा, सेकेंड जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होगा, थर्ड जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा, फोर्थ जो है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री होगी एंड फिफ्थ जो है इंजीनियरिंग फिजिक्स होगी। तो आपको सभी को पता ही होगा ये 5 सब्जेक्ट है आपके मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए। पुणे यूनिवर्सिटी के कुछ डिफरेंट होंगे सब्जेक्ट्स, बट मुंबई यूनिवर्सिटी के मैं स्पेशली इस वीडियो में मैं कवर करना चाहूंगा। तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी के ये 5 सब्जेक्ट्स आपको फर्स्ट सेम में पढ़ने होंगे और आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो है बहुत ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चलने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर जो आपको 2 महीने के अंदर ही आपका कंप्लीट कराया जाएगा, जनवरी फरवरी एंड मार्च, ये 3 महीने में आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, आपको विद इन 7 to 8 month में जो है आपको 2 सेमेस्टर एग्जाम्स होने वाले। तो जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कवर करने की कोशिश की जाएगी इधर। तो आपको भी ऐसे ही आपको अपना प्रिपेरेशन करते रहना है और कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है तो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, उसके लिए जो है बेस्ट ऑथर मेरा ही मानना नहीं, ये सभी प्रोफेसर जो कॉलेज के प्रोफेसर है उन्हीं का भी मानना है कि बेस्ट जो बुक है मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए हो या चाहे पुणे यूनिवर्सिटी के लिए हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के लिए जो है आपको कुंभोजकर की बुक ही फॉलो करनी होगी। कुंभोजकर की बुक में जो है सारे के सारे PYQs होंगे, आपको उस PYQs को ही सॉल्व करके आपको जो आपकी प्रिपेरेशन करनी है। और ये कुंभोजकर की बुक की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, वहां से जो आप चेकआउट कर सकते हो। और इस बुक में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ PYQs को ज्यादा फोकस करना है। जैसे आपने CET की प्रिपेरेशन के टाइम पे जैसे आपने ज्यादा फोकस PYQs को दिया था, ऐसी जो है यूनिवर्सिटी में भी ऐसी होते, यूनिवर्सिटी में भी जो है बहुत सारे PYQs रिपीट होते, वो सारे जो है वो कंसेप्ट के PYQs को आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। बुक्स देखने में जो है बहुत ज्यादा मोटी होगी लेकिन आपको लेंथ वाइज नहीं जाना है, आपको जो है आपके कंसेप्ट वाइज जाना है। और अगर आपको कंसेप्ट समझ गया तो आप एक कंसेप्ट पे जो है 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे जो ये स्टेज पे आपको खुद से आपको थिंकिंग करना होगा कि ये सम कैसे सॉल्व होता है, वो सम कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पे आपको खुद को क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, ऐसे आपको कंसेप्ट बिल्डिंग करना है। यहाँ पे अगर आप रट्टा मारने जाओगे तो इंजीनियरिंग अभी कभी खत्म नहीं कर पाओगे, 8 सेमेस्टर में आप एक भी सेमेस्टर जो आप पास नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आपको सब सारी चीजें जो है एक एक चीजें आपको अच्छे से समझनी होगी। सेकेंड जो सब्जेक्ट है हमारा मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए भी ये जितने भी मैंने बुक्स आपको बता रहे हैं ये सारे बुक्स जो है मैंने प्रोफेसर से बात करके आपको मैं आपको यहाँ रेफरेंस दे रहा हूँ। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए भी जो है बहुत ही फेमस ऑथर है MD दयाल, अभी MD दयाल की भी बुक फॉलो कर सकते हो और इसमें जो है मुंबई यूनिवर्सिटी के सारे PYQs आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ MD दयाल का जो लेटेस्ट एडिशन है, जो लेटेस्ट एडिशन है वही खरीदना, बिकॉज अभी जितने भी 2020 के PYQs, 2021 के PYQs जो है उस बुक में अवेलेबल होंगे, इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको अवेलेबल की गई है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। थर्ड जो है
बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट में आपको जो है सर्किट डायग्राम्स देखने को मिलेंगे। और इधर भी एक बहुत फेमस ऑथर है BEE के लिए, अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो आपको जो है रविश सिंह की बुक आपको फॉलो करनी होगी। यहाँ पे सारे के सारे मुंबई यूनिवर्सिटी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पेपर में, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस है सभी के सभी क्वेश्चंस जो आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। अभी फोर्थ जो है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। अभी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के लिए बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं जिनकी बुक आपको अगर मैं बता दूंगा तो उनकी लिस्ट कम पड़ जाएगी। इसके लिए जो है अभी एफिशिएंट आपको, मतलब कि आपका समय भी बहुत कम है, अभी अभी 3 महीने में जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो इतना सारा ऑथर्स की बुक्स देखना, इतने सारे ये करना, तो इतने सारे बुक्स को रेफर करना इजी नहीं होता है। तो इसके लिए जो है मैंने इधर निराली पब्लिकेशन का बुक आपको बताया, ये पर्सनली मैंने भी फॉलो किया है, मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए बेस्ट है। इसमें भी जो है सारे के सारे PYQs आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के इस बुक में अवेलेबल मिल जाएंगे। और केमिस्ट्री के जो जो मॉड्यूल्स है बहुत ही अच्छे से जो है इस बुक में जो है सारे के सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट कराए गए। अभी लास्ट जो सब्जेक्ट है वो है इंजीनियरिंग फिजिक्स। अभी इंजीनियरिंग फिजिक्स से आपको जो है घबराना नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी जो है थोड़ा सा बेसिक पार्ट जो आप ऑलरेडी 12th में पढ़ के आए होंगे, जैसे कि आपका इंटरफेरेंस हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ये सारा जो आपको 12th में ही आपको सिखाया गया था। अभी अभी इंजीनियरिंग में भी जो है इसी का जो है सेकेंड पार्ट है, इसी को जो है डीप में आपको समझाया जाएगा। तो फिजिक्स के लिए भी जो है आपको इधर मैं पब्लिकेशन रेफर करूंगा, टेकमैक्स पब्लिकेशन। ये टेकमैक्स पब्लिकेशन आपके लिए इनफ हो जाएगी, आपके सेमेस्टर के लिए 6 मॉड्यूल में जो है इधर बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। और कैसे क्वेश्चंस को आपको लिखना है, यहाँ पे जैसे थ्योरी एग्जाम होता है, जैसे सब्जेक्टिव आपको क्वेश्चंस होंगे, वहां पे आपको जो है लिखना होगा, एक आंसर, एक एक आंसर जो आपको 10 10 मार्क्स का होगा, तो 10 मार्क्स के आंसर की क्या लेंथ होनी चाहिए, कैसे आपको प्रेजेंट करना है, कौन कौन से डायग्राम को कितने मार्क्स होने वाले, ये सब जो है टेकमैक्स में अच्छे से फॉर्मेट में, एक पेपर का जैसा फॉर्मेट होता है, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है, वो सारे फॉर्मेट में जो है इसमें सारे पेपर्स अवेलेबल है, सारे PYQs अवेलेबल है, और सारे न्यूमेरिकल्स भी जो है इजिली सॉल्व किए हुए। तो ये टेकमैक्स आप फॉलो कर सकते हो इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए। ये जितने भी बुक्स मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया, इसकी बुक्स की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है, इधर आपको जैसे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग बुक्स दिख जाएगी, एंड इधर एक आपको ड्राइव की लिंक दिखेगी, वहां पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पूरे 5ों सब्जेक्ट की बुक मिल जाएगी। होप सो आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। वीडियो यूजफुल लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में, उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, और इस गूगल ड्राइव की लिंक जो है अपने हर एक फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जो है हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।